हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ 12 फ़ोन है, तो IQ 12 फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर स्क्रीन सेवर ऑप्शंस के जरिए कैसे आप एनिमेशन वगैरह को लॉक स्क्रीन पे सेट कैसे कर सकते हैं और आप कैसे अपने फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कैसे कर सकते हैं IQ 12 फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं और स्क्रीन सेवर ऑप्शंस के जरिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स सेट कैसे कर पाएंगे, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपके पास ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तुम्हारे पास ऑप्शन आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर स्क्रीन सेवर ऑप्शंस के जरिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर पाएंगे। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको जाना है डिस्प्ले सेटिंग्स पे। डिस्प्ले सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, फिर आपको स्क्रीन सेवर्स पे जाना है, तो स्क्रीन सेवर्स के जरिए भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो यहाँ से कोई भी एनिमेशन, आप इस तरीके से क्लॉक एनिमेशन भी आप स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, और आप चाहें तो एनिमेशन को आप स्विच कर सकते हैं एनालॉग एनिमेशन में, जहाँ से कुछ इस तरीके से क्लॉक टाइप में एनिमेशन शो करता है। आप चाहें तो फोटो एनिमेशन भी लगा सकते हैं और फोटोज़ को भी एनिमेशन में शो कर सकते हैं इस तरीके से। एंड आप इस पे जाकर डाउनलोड फोटोज़ भी शो कर सकते हैं एनिमेशन में, जिससे कि डाउनलोड फोटोज़ भी आपके एनिमेशन में शो हो जाती है। एंड आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो कोई भी एनिमेशन आप लॉक स्क्रीन पे सेट नहीं कर सकते, और ऑन करके आप सेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं अपने IQ 12 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ का शेयर।